मैं डॉक्टर नीता कानन को आज बेसिक पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्ट 3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो एग्जांपल है FeCN होल 6-3। यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट एनायन का स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं, जिसमें आयरन सेम कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं, तो क्या होएगा 3D6-4S2। पर आयरन की जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो होगा 3D5-4S2-4P0-4D0। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड की पेयरिंग कराने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इनकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा। तो ये 3D ऑर्बिटल में इसने पेयरिंग करा दी, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी में चले गए और दो ऑर्बिटल डी के खाली हो जाते हैं। दो ऑर्बिटल डी के खाली हो गए, अब अपन 6 लिगेंड जब साइनाइड के अटैच करेंगे तो कौन से इनर डी ऑर्बिटल, यानी 3D के दो डी ऑर्बिटल D2 SP3 हाइब्रिडेशन होगा और इनमें ये 6 साइनाइड लिगेंड चले जाएंगे और इस तरह से D2 SP3 संकरण होगा। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रली होगा, वहाँ पे था आउटर SP3
sp3d2 कॉम्बिनेशन, ये d2 sp3, इनको आउटर इनर डी ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल भी कहते हैं, और इसको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम स्पिन देखें तो यहाँ पर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहाँ थे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इनका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा और उसका 5.92 होता है। तो इस तरह से कई बार कंपैरिजन में भी ये क्वेश्चन दिया जाता है कि हेक्साइनो हेक्सा एक्वो आयरन थर्ड आयन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जबकि हेक्साइनो फेरिट थर्ड आयन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर से क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यही स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को दिखाते हुए हमें स्ट्रक्चर को बताना है। इस तरह से अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट की यूनिट आज यहाँ पर ख़त्म होती है, और बाकी नेक्स्ट यूनिट में अपन जो स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।